नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अभी बिल्कुल बिगिनर हैं या अपनी बॉडी को बनाने के लिए बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहो, क्योंकि जो आज की ये वीडियो है बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो का जो टॉपिक है वह ये है कि मैं जिम कब ज्वाइन कर सकता हूं या मुझे जिम कब ज्वाइन करना चाहिए, इसके अलावा जिम ज्वाइन करने से पहले मुझे किन किन बातों को ध्यान में रख करके जिम ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हमें जिम कब ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझसे बहुत से ऐसे बिगिनर्स मिलते हैं, बहुत से ऐसे भाई लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे जिम ज्वाइन करना है बॉडी बनाने के लिए, मैं जिम कब ज्वाइन करूँ। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप जिम तब ज्वाइन करिए जब आप बिल्कुल दृढ़ हों। जी हाँ, आपने एकदम निश्चित कर लिया है कि अब मुझे जिम ज्वाइन करके बॉडी बनानी है। जी हाँ, जब तक के आपके मन से या अंदर से आपके आवाज़ नहीं आएगी तब तक के आपका जिम ज्वाइन करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर आप केवल एक दूसरे को देखा देखी में अगर आप जिम ज्वाइन कर लेते हो ना, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और आप बीच में छोड़ दोगे। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कब ज्वाइन करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप जिम तभी ज्वाइन करें जब आपके अंदर मन से एक आवाज़ आए कि हाँ, अब मुझे अपनी बॉडी बनानी है, अब मुझे जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए और अपनी बॉडी मुझे बनानी चाहिए। ठीक है, तब आप जिम ज्वाइन करें। तब आपको जगह आप जब ये चीज़ निश्चित कर लेंगे उसके बाद अगर आप जिम ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा, एक अलग आपको मज़ा आएगा जिम करने में। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक ऐसे ही भाई थे जिन्होंने जिम ज्वाइन किया, ठीक है, और उन्होंने जिम किस प्रकार से ज्वाइन किया था मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि उन्होंने एक मेरे जैसा जो बॉडी बिल्डर था उसको उन्होंने देख करके जिम ज्वाइन कर लिया। जिम ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जिम वगैरह का फीस वगैरह सब जमा कर दिया, उन्होंने एडमिशन वगैरह करा लिया जिम में, और उसके बाद केवल मात्र वो 15 दिन जिम गए। 15 दिन जिम जाने के बाद उन्होंने जिम को छोड़ दिया पूरी तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से, किस वजह से छोड़ा, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये था उनके साथ कि उन्होंने दूसरे बंदों को देख करके जिम ज्वाइन कर लिया। उन्होंने सोचा कि जिम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर मेरा टाइम कट जाएगा और मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे जब वो जिम जाने लगे और उनका मन धीरे धीरे वहाँ से हटने लगा, मात्र केवल 15 दिन में उन्होंने जिम बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ दिया और उनके जो पैसे जमा थे वहाँ पर वो भी बर्बाद हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी जिम नहीं ज्वाइन किया। तो इसलिए आप जब भी जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हो, तो आप पहले एकदम निश्चित कर लो कि मुझे अब जिम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपने मन से आप पूछ लीजिए कि हाँ, मैं अब जिम ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि आपको जिम ज्वाइन करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद जिम ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि आप जिम ज्वाइन करने से पहले एक दिन बैठें और आराम से सोचें कि मैं जिम ज्वाइन करने तो जा रहा हूँ, क्या मैं उसको रेगुलर कर सकूंगा, पहले पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपके पास इतना टाइम है कि आप जिम में जाकर के उतना टाइम आप जिम में दे सको। इसके बाद आपको टाइम टेबल अपना देखना पड़ेगा कि अगर आप कॉलेज जाते हो या आप स्कूल जाते हो तो आपका उसमें कोई लॉस वगैरह तो नहीं हो रहा है। ये सब आपको बातें ध्यान रख करके ही जिम ज्वाइन करना चाहिए। ठीक, अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और ये उन लोगों के लिए हैं जो अभी यंगस्टर्स हैं, क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स को मैंने देखा है कि
सॉरी, थोड़ा मेरी तबीयत खराब है। मैंने ये देखा है कि यंगस्टर्स दूसरों को देखा देखी में या दूसरों की बातों में आकर के जिम ज्वाइन कर लेते हैं और वो जिम ज़्यादा 1 महीने या 2 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने निश्चय से जिम ज्वाइन नहीं करते हैं, केवल दूसरों को देख करके या दूसरों की बातों में आकर के जिम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ ही जिम ज्वाइन किया था और जिम ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों बाद ही उन्होंने महीना या 2 महीना एक लोगों ने किया और उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है, किस वजह छोड़ दिया मैं आपको अब यहां पर बता देता हूं। हुआ ये था कि जो हमारे एक जो भाई थे उनको केवल दूसरे को देख करके उनको बस केवल लगा कि मुझे भी जिम जाना चाहिए और उस वजह से उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया। ठीक है, जिस बंदे ने उन्हें बताया था कि भाई आप जिम ज्वाइन कर लो, वहाँ बहुत मज़ा आता है, तो उस मज़े को लेने के लिए उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया। जिम ज्वाइन करने के बाद वो उन्होंने जा करके फीस वगैरह सब जमा कर दी। सब कुछ होने के बाद वो जाने लगे। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो मालूम पड़ा कि वो जिस मज़े को लेने गए थे वो मज़ा उनको वहाँ मिला ही नहीं। होता ये था, उन्होंने सोचा था वहाँ जाएंगे, हंसी मजाक होगा और अपना टाइम कट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है भाई। आप तो मज़े के लिए गए हो, लेकिन जो कोई दूसरा अगर आ रहा है वहाँ पे एक्सरसाइज करने, तो वो तो अपनी बॉडी बनाने के लिए आ रहा है, वो आपसे हंसी मजाक करने थोड़ी ना आ रहा है। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो मालूम पड़ा, उन्होंने जब देखा कि सब लोग अलग अलग एक्सरसाइजों में जुटे हुए हैं, उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो आराम से बैठे हुए हैं, और उसके बाद वो जिस मज़े के लिए गया था तो उन्होंने थोड़ा बहुत डंबल वगैरह उठा दिया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद वो आराम से बैठ गए। ऐसा 15 दिन केवल हुआ, और 15 दिन बाद उन्होंने वहाँ से क्विट कर दिया, जिम छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा वजह, तो उन्होंने बताया भाई मेरा मन नहीं लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बात आ गई ना, मन नहीं लग रहा है। अगर आपका जहाँ पर जिस काम में मन नहीं लगेगा वहाँ पर वो काम आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से यंगस्टर्स को मैंने देखा है अलग अलग तरीक़ों से। एक भाई साहब से मैं मिला, उन्होंने कहा भाई मुझे केवल इतना बता दे या इतनी बॉडी मेरी केवल आप डेवलप करा दो कि मैं जो टी शर्ट या शर्ट पहनूँ वो मेरे आसानी से आए, मतलब कि एकदम फिट बैठे। तो मैंने कहा कि भाई केवल इतनी सी बात के लिए अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हो आप जिम ज्वाइन करो, लेकिन इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में बॉडी को बनाने के लिए कुछ दूसरा विचार है, उस चक्कर में आप बिल्कुल भी बॉडी नहीं बना पाओगे। उसके बाद मुझे और भी बहुत से ऐसे लोग मिले। एक मेरे जो भाई थे वो तो और ही ज़्यादा उनसे एडवांस थे। उन्होंने कहा कि भाई मैंने सुना है कि जिनकी बॉडी होती है उनसे लड़कियां इंप्रेस होती हैं, मेरी भी बॉडी बनवा दो। लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। हालांकि होता ये है कि अगर आपकी फिजिक अच्छी होती है, अगर आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होती है, तो थोड़ा बहुत लड़कियां जो होती हैं वो इंप्रेस होती हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड में केवल लेकर के चलें कि मुझे बॉडी केवल इसलिए बनानी कि मैं लड़कियां पटा सकूं, तो ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों जिम जो है ना वो एक तरह से पूजा है। ये ना समझिए आपकी वहाँ पर बस गए हो, डंबल वंबल उठाया, एक्सरसाइज किया और चले आए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पूरी तरीके से अगर आप पूरा मन लगा करके जिम करोगे ना, तो आप बहुत ही बढ़िया बॉडी बना सकोगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जिम तभी ज्वाइन करें जब आपके अंदर से एक आवाज़ आए, जब आपको लगे कि हाँ मेरे पास समय है, मेरे पास बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो जाए कि हाँ मुझे अब जिम ज्वाइन करना ही है, चाहे जो हो जाए, तब आप जिम ज्वाइन करें। और मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप ध्यान रखिए कि जब भी आप जिम ज्वाइन करें तो आप रेगुलर करें। कोशिश यही करें कि आप रेगुलर करें, भले ही आप ज़्यादा टाइम ना दे पाएं, लेकिन रेगुलर करें। रेगुलर करने से होता यह है कि आपकी जो क्या कहते हैं, रुकिए मैं बताता हूँ, जो आपकी एक फ्लो होता है वो आपका मेंटेन रहता है, बना रहता है, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए आप जितना हो सके उतना रेगुलर जिम ज्वाइन करें और
तभी ज्वाइन करें जब आपके अंदर से एक आवाज आए उसके बाद, वरना आप बिल्कुल भी जिम ज्वाइन ना करें। तो आज की ये वीडियो मेरी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के नीचे आप मुझे लिख करके बताएं। और मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो केवल दूसरों को देख देख करके जिम ज्वाइन कर रहे हैं या केवल अपना पैसा व्यर्थ कर रहे हैं, तो उन लोगों की भी कुछ मदद हो सके। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।